आज हम महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस चटनी बनाएंगे, जिसे ठेचा के नाम से जाना जाता है। ये चटनी बहुत ही टेस्टी होता है और केवल दो तीन चीजों से बहुत ही झटपट बन जाता है। तो चलिए ठेचा बनाना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने आधा किलो हरी मिर्ची लिया है। ये मिर्ची थोड़ी कम तीखी होती है। ये मिर्ची थोड़ी सी लाइट ग्रीन कलर की और कुछ इस तरह के लंबे लंबे दिखते हैं। आपको अगर ज्यादा तीखा पसंद हो तो आप तीखी वाली मिर्ची का भी यूज कर सकते हो। मैंने सबसे पहले मिर्ची को धो के अच्छी तरह से कपड़े से सुखा के फिर इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। फ्राइंग पैन को हमने गैस में चढ़ा दिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे और तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें कटे हुए मिर्ची डाल देंगे। फ्लेम इस समय बिल्कुल लो ही रहना चाहिए। यहाँ पे हमने 3 बड़े साइज का लहसुन को छील लिया है, इसे भी हमने डाल दिया। अब मिर्ची और लहसुन को हाई फ्लेम में तब तक फ्राई करना है जब तक लहसुन और मिर्ची हल्का गोल्डन ना हो जाए। तो इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे और इसे हाई फ्लेम में हमें फ्राई करना होगा। मिर्ची और लहसुन को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो। अब हम पैन के बिल्कुल बीचों बीच इस तरह से जगह बनाएंगे और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल, क्योंकि पैन बिल्कुल गर्म है इसलिए तेल डालते ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर गर्म हो जाएगा। इसके बाद हम बीच में डालेंगे 1 टेबल स्पून साबुत जीरा। जीरा को कुछ इस तरह से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही जीरा हल्का हल्का चटकने लगे, इसको मिर्ची और ये जो फ्राइड लहसुन है इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमें तमाम चीज़ों को हाई फ्लेम में कुछ 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 मुट्ठी भर बारीक कटा हुआ धनिया के पत्ते और इसे कुछ अगेन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तमाम चीजें फ्राई हो जाने के बाद अब हम लास्ट में डालेंगे नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार। नमक यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमें इस मिक्सचर को अच्छी तरह से ठंडा करना होगा। उसके बाद हम इसे बिना पानी मिलाए बिल्कुल दरदरा पीस लेंगे। आप अगर चाहो तो सिलवट्टे का भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे ग्राइंडर में पीसूंगी। मेरा ये मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूँ। इसके बाद हम इसे पीसेंगे। इसे बिना पानी मिलाए पीसना होगा और इसे पीसने का तरीका थोड़ा अलग है। आपको इसे 1-1 मिनट तक पीसना है। उसके बाद आपको ग्राइंडर को ओपन करके चम्मच से इसे अच्छी तरह से चला लेना है। फिर अगेन 1 मिनट के लिए पीसना होगा, यानी कि 1 मिनट हम पीसेंगे, फिर इसका ढक्कन हटा के चम्मच से इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। उसके बाद अगेन हम इसे 1 मिनट के लिए पीसेंगे। इस प्रोसेस को हमें तब तक कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक हमारा ये मिक्सचर दरदरा ना पिस जाए। ये देखिए, हमने तमाम चीज़ों को पीस लिया है। हमारा ठेचा बिल्कुल तैयार है। ठेचा का टेक्सचर बिल्कुल ऐसा ही दरदरा होना चाहिए। अगर आप ठेचा को बारीक पीसोगे तो इसमें वो वाली स्वाद नहीं आएगी जो ऑथेंटिकली होती है। पारंपरिक तरीके से ठेचा को इसी तरह से सिलवट्टे में दरदरा पीसा जाता है। अब हम इस ठेचा को एक बर्नी में भरेंगे। ठेचा को आप इसी तरह से फ्रिज में 7 दिन तक स्टोर करके एंजॉय कर सकते हो। ठेचा गर्मा गर्म दाल चावल या फिर रोटी या पराठे के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ठेचा की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आगे भी इसी तरह की रेसिपीज लाते रहेंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।